समतल दर्पण एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, देखिए समतल में होगा क्या, समतल दर्पण का मतलब है कि इसकी सतह जो पाई जाएगी वो बिल्कुल प्लेन पाई जाएगी, एक साइड में कहीं भी इसके क्या होगा पॉलिश की जाएगी, और किसकी पॉलिश होगी ये, सिल्वर लेड ऑक्साइड और पारे की वाष्प की या पारे की कली की पॉलिश की जाएगी। इसमें जैसे ही कोई किरण आएगी तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस जाएगी, जितने एंगल से टकराएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। ऐसी घटनाएं उत्तल में और अवतल में भी होंगी लेकिन फिक्स कंडीशन पर ही होंगी। इसमें तो हर एक कंडीशन में जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से जाएगी, लेकिन उनमें फिक्स निश्चित स्थिति पर जब यदि आएगी किरण तो उसी एक कंडीशन में केवल उसी दिशा में वापस चली जाएगी, बाकी कंडीशन में उसका एंगल अलग अलग हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया था जितनी दूर वस्तु को यहाँ से रखा जाता है उसका प्रतिबिंब जो बनता है उतना ही दूरी पर बनता है, एक चीज़ तो ये बताई। दूसरी बात, यहाँ जो वस्तु रखी हुई है इसका प्रतिबिंब पीछे यदि दिखाई दे रहा है तो पीछे दिखने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक, या इसी को बोला जाता है आभासी, इमेजनरी। अपन केवल ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जबकि जो प्रतिबिंब आगे की साइड में बनते हैं उनको बोला जाता है रियल या वास्तविक। क्या बोला जाता है? वास्तविक। तो आगे बनेंगे तब तो वास्तविक और पीछे बनेंगे तो आभासी। उत्तल और अवतल में अभी काम आएगा, इसमें तो सभी कहाँ बनते हैं? पीछे बनते हैं। तो पीछे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? हमेशा काल्पनिक होंगे या फिर आभासी प्रतिबिंब होंगे। ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू करे यदि वी वेग से, तो मैंने बताया था ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी चलेगा तो उतने ही वेग से, लेकिन यहाँ से जब हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2v वेग से कम होता हुआ प्रतीत होगा, या फिर दूरी पर जाएंगे तो 2v वेग से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। पास आएंगे तो पास प्रतिबिंब आएगा, और यदि दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ चला जाएगा? दूर। अगली बात मैंने बताई, यदि वस्तु को देखना है तो देखने के लिए प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितने होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जैसे 10 फीट की कोई वस्तु है, उस 10 फीट की वस्तु को किसी दर्पण में देखना है तो कितने फीट का दर्पण होना चाहिए? कम से कम 5 फीट का। अब उल्टा कभी कभी आपसे पूछ लेगा, दर्पण की लंबाई जो है वो 8 फीट है, तो बताओ इसमें कितनी वस्तु को देखा जा सकता है? 8 फीट में कितनी देख सकते हैं? 16 फीट की वस्तु को देखा जा सकता है, क्योंकि जितनी लंबाई होगी वस्तु की उससे आधी लंबाई के दर्पण में ही उसे आराम से देख सकते हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर मैंने बताई थी, जब दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या आपसे पूछी जाए तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में भाग देंगे किसका? थीटा का। और 360 में थीटा क्या है यहाँ पे? जो एंगल दोनों दर्पणों के बीच में बनेगा। एक दर्पण है अगर तो प्रतिबिंब भी कितने बनेंगे? केवल एक। लेकिन जब दर्पण दो हों और उनमें एंगल दिया जाए तो वो एंगल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके आप प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हो। लेकिन इससे आने वाली संख्या यदि क्या हो? सम संख्या हो, इवन नंबर हो। तो इवन नंबर की कंडीशन में क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में 360 बटा थीटा में से माइनस कितना कर देंगे? एक। क्योंकि हमेशा प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी किसमें होगी? विषम संख्या में, ऑड नंबर में होगी। सम संख्या में कभी भी आंसर नहीं देना है। दो स्थिति ऐसी हैं जिनमें प्रतिबिंबों की संख्या तीन तीन होती है। यदि वस्तु 90 डिग्री पर रखी जाए यानी लंबवत रखी जाए, तो लंबवत रखने की कंडीशन में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तीन। और 120 डिग्री पर रखा जाए तो भी प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तीन। वैल्यू रखकर देख लीजिए आप, 360 में भाग देंगे 120 से कितना आएगा? तीन। तो प्रतिबिंब तीन बनेंगे, और 360 को डिवाइड करेंगे 90 से तो वैल्यू जो आएगी वो तो चार आएगी, लेकिन ये चार जो है ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे? माइनस एक। तो चार माइनस एक कितना हो जाएगा? तीन। तो इन दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तीन तीन। एक कंडीशन मैंने बताई थी, जब दो दर्पण आमने सामने रख दिए जाएँ, एक दर्पण ये रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर रख दिया मैंने और इसके पीछे पॉलिश कर दी, यहाँ पर कोई वस्तु रखी तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत या इन्फाइनिट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वस्तु ये प्रतिबिंब बना रही है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनाएगी? ये 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्यों बना रही है? क्योंकि समतल से 90 डिग्री ये बनाएगा और ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो दोनों का अंतर कितना है? 0 डिग्री। इसीलिए आप कहेंगे 360 को डिवाइड करेंगे जब 0 से तो आंसर 0 नहीं आएगा। कितना आंसर आएगा? इन्फाइनेट आंसर आएगा। लेकिन 0 में किसी संख्या से यदि भाग दिया जाए तब आंसर कितना होता है? 0 होता है। समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है और उनमें प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो अवतल दर्पण से पूछा जाता है।
इसलिए एक एक चीज़ को बेसिक से समझेंगे आराम से, समझ में नहीं आए तो बीच में आराम से पूछ सकते हो आप। एक तो होता है दर्पण अवतल, अवतल को तो बोला जाता है कॉनकेव, और दूसरा होता है उत्तल, उत्तल को बोला जाता है कॉनवेक्स। ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं, कॉनकेव का मतलब तो अवतल और कॉनवेक्स का मतलब क्या होगा, उत्तल। इनको अन्य नामों से जाना जाता है इनकी प्रकृति के आधार पर। प्रकृति क्या होगी, तो दोनों ही ये कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल क्यों हैं, क्योंकि इनको गोले के भाग से किसी से काट कर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण के ही तो भाग होते हैं दोनों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। होता यह है कि यहाँ ये गोला है, इस गोले का मैंने एक भाग ये काटा, अब इस भाग को मैं लेके आ रहा हूँ, एक को यहाँ रख दिया और इसी भाग को मैंने यहाँ रखा, तो इसमें पॉलिश जो की जाएगी उसके आधार पर इन दोनों की प्रकृति बदल जाएगी। अब पॉलिश मैं क्या करूँगा, अवतल दर्पण जो है इसमें तो मैंने बाहर की ओर पॉलिश कर दी, और उत्तल दर्पण में जो पॉलिश होगी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से कि यहाँ पर जो किरणें आएंगी क्या उन किरणों को ये बाहर भेजेगा या अंदर की ओर लाएगा, बाहर भेजेगा या अंदर लाएगा, अंदर की ओर लाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी सतह है, इस सतह पर यहाँ पर कोई बॉल टकराए, कोई भी वस्तु टकराएगी तो कहाँ आएगी, वो हमेशा नीचे, लेकिन यहाँ टकराएगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर। यानी ये क्या करेगा, बाहर की ओर जो टकराएंगी उन किरणों को अंदर लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी। क्या कहा जाता है, अभिसारी, यानी किरणों को ये अभिसारित करता है। अभिसारित करने का मतलब है अंदर की ओर लाता है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कन्वर्जिंग कहा जाता है इसको। कौन सा कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। जबकि उत्तल में क्या होगा, किरणें जो यहाँ पर टकराएंगी वो अंदर की ओर जाएंगी क्या, बाहर जाएंगी, तो बाहर जाने की कंडीशन में ये क्या करेगा, इन किरणों को अपसारित करेगा, मतलब अपसारी दर्पण होगा, या अपसारित को ही बोला जाता है डाइवर्जिंग। बोलो कौन सा होगा, डाइवर्जिंग। तो दो प्रकार के आपके दर्पण हैं, एक तो है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल। अवतल में तो पॉलिश कहाँ की जाएगी, बाहर की ओर, और उत्तल में पॉलिश कहाँ की जाएगी, अंदर की ओर। अब देखिए एक और चीज़, यहाँ से कुछ परिभाषाएं मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आने वाली हैं। ये जो है ये भी गोले का भाग है और वो भी गोले का भाग है। गोले की आकृति में यदि बनाता हूँ, ये कोई गोला था जिसमें से इसको काटा गया है, माना कि ऐसे ही यहाँ पर भी गोला होगा, उसमें से ही तो इसको काटा गया होगा। इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, यानी सेंटर पॉइंट जो होता है, जिसके सापेक्ष चारों दिशाओं में उसकी दूरी बराबर होती है, जिसको अपन कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या ही तो बोलते हैं, गोले का केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो भी बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक दूरी भी बराबर होगी, उसी को त्रिज्या बोला जाता है। तो ये सेंटर पॉइंट जो होता है इसको सेंट्रोइड या फिर वक्रता केंद्र कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। हाँ, सेंटर पॉइंट कहा जाता है या वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इसको सी से ही दर्शाते हैं, सेंटर है इसलिए किससे दर्शाएंगे, सी से। अगली बात, यहाँ से वक्रता केंद्र से और यहाँ तक की दूरी जो होगी दर्पण तक की, दर्पण में भी किस बिंदु तक की, तो दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट होता है, मध्य वाला पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। और इस पोल से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है साधारण भाषा में, सो इसको हमें क्या कहते हैं, त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। बोलो क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को दर्शाया जाता है आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे, आर से। नॉर्मल त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं, यहाँ पर किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से। इन दोनों के मध्य में जहाँ पर वस्तु की किरणें आएंगी वो टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरेंगी उस बिंदु को कहा जाता है इसका फोकस बिंदु। क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। इसको दर्शाया जाता है एफ से। फोकस बिंदु से किससे दर्शाएंगे, एफ से। और इस फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो यहाँ फोकस बिंदु से वक्रता केंद्र की दूरी के बराबर होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या जो है उसकी आधी दूरी यदि मानी जाए तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी, फोकस से और ध्रुव तक। इस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है, और फोकस दूरी को दर्शाया जाता है स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ से तो किससे दर्शाएंगे, फोकस बिंदु को, और फोकस दूरी को किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एफ से। इसका बीच वाला पॉइंट जो है जहां से ये रेखा गुजर रही है ध्रुव से और कहां तक जा रही है, ये वक्रता केंद्र तक,
इसको यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस इसको कहा जाता है। तो एक्सिस किसको बोलेंगे? जो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक खींची हुई काल्पनिक रेखा होती है। वास्तव में ऐसी रेखा दिखाई देती नहीं है अपने को, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसी कोई रेखा गुजर रही होगी, तो वो गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। बोलो क्या कहेंगे? तो अलग अलग इनकी परिभाषा अगर आपसे पूछेगा तो आपको बतानी है। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता क्या है? पोल, दर्पण का मध्य केंद्र बिंदु। किसका? गोले का नहीं, दर्पण का। दर्पण का केंद्र बिंदु तो कहलाएगा ध्रुव, और गोले का, जिस गोले से दर्पण को बनाया गया है, उस गोले का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी ही कौन सी दूरी होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक मापते हैं? तो ध्रुव से और फोकस बिंदु तक, ध्रुव से और फोकस बिंदु तक। ये लाइन जो फोकस बिंदु, ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र से गुजरती है, ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ऐसी इसमें होगी क्या कंडीशन? तो इसमें भी ये चीज़ें तो समान ही रहेंगी, लेकिन फर्क केवल क्या पड़ेगा? इन पर जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहाँ से तो अंदर की ओर जाएंगी, लेकिन इस सतह से जब टकराएंगी तो कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर। कहाँ कहाँ पर ये किरणें टकरा सकती हैं और क्या क्या स्थिति में आपके प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो प्रतिबिंबों की स्थिति आपको अवतल दर्पण की 100% याद रखनी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक एग्ज़ाम में दर्पण या लेंस से एक क्वेश्चन 100% पूछा गया है। हर एग्ज़ाम में लगभग 70 सेट हुए थे, 70 पेपर हुए थे, उनमें 70 के 70 पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। या तो किससे पूछा था? लेंस से या फिर दर्पण से। वो सूत्र जो आएगा, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, उन पर भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे पूछा गया था इनकी स्थिति के बारे में, कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहाँ पर बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये स्थिति आपको बतानी है। देखिए, चलिए अवतल दर्पण की केवल हम बात करें, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। अवतल दर्पण को ही क्या बोला जाता है? कॉनकेव बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है क्या? अभिसारी या कन्वर्जिंग बोला जाता है इसी को। स्थिति कैसी होगी? बोलो पॉलिश कहाँ पर होगी? इसमें कहाँ होगी पॉलिश? अवतल में, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ पॉलिश है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो किरणें आएंगी वो किरणें टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? अंदर की ओर। कहाँ जाएंगी? अंदर। ये बीच वाली लाइन अभी मैंने बताई थी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यहाँ लिख देता हूँ मैं इस साइड में, इधर प्रतिबिंब बनाएंगे अभी तो दिक्कत नहीं आएगी। ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर ये बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव या पोल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ से जो रेखाएँ गुजरेंगी, वो रेखाएँ अभी मैं बताऊँगा कौन कौन सी गुजरेंगी। ये वाला सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा? जो बीच वाला केंद्र है, वक्रता केंद्र। केवल सी से दर्शा रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु या एफ से दर्शाएंगे। ये वाली दूरी जो होगी ये क्या कहलाएगी? फोकस दूरी, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या या आर से दर्शाएंगे इसको। इतना समझ में आया? किसको? वक्रता। हाँ, इसको 2f बोला जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है उसकी आधी दूरी जो होगी वो तो क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f निकालनी है यदि, तो f के लिए तो आप बोल सकते हो r/2, या फिर मैं कहूँ आपसे कि आपको निकालना है r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये f के साइड में 2 जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2f। तो दोनों ही बातें, कोई सही लिख लो, f बराबर r/2 लिखो या r/2f लिखो, एक ही बात है। चलिए देखिए, अब मैं आपसे कंडीशन बता रहा हूँ केवल कि कहाँ से किरणें आएंगी तो कहाँ से वो गुजरेंगी। प्रतिबिंब अब अगली क्लास, मतलब अभी थोड़ी देर बाद में ही बताऊँगा। 3-4 कंडीशन है वो देखिए। मैं यहाँ ये पॉइंट, इधर से यहाँ तक का पॉइंट है, यहाँ पर मैं मानता हूँ यहाँ पर इन्फाइनेट है, अनंत है। तो ये वाली दूरी कौन सी होगी? यहाँ पर यदि मैं किसी वस्तु को रखता हूँ इसके बीच में, तो आप क्या कहेंगे? वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब यहाँ रखूँगा तो क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। यहाँ पर रखेंगे तो फोकस पर। बीच में रखूँगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो जो भी किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, बोलो किसके समानांतर? समानांतर का मतलब है पैरेलल आएगी। ये जैसी लाइन है वैसे के वैसे सीधी लाइन रहेगी। यहाँ से भी कोई किरण माना कि ऐसे गुजर रही है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कोई अनंत से मैंने किरण भेजी और वो जाने के बाद इस दर्पण से टकराएगी, तो मुझे बताओ कहाँ जाएगी? ऊपर या नीचे? नीचे। और नीचे ये टकराने के बाद इस दिशा में जाती हुई प्रतीत होगी, और टकराएगी कहाँ पर? ये फोकस पर। हमेशा टकराती कहाँ पर है?
फोकस बिंदु पर टकराती है। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ से इसी को अगर गुजारा तो गुजारने के बाद ये कहाँ पर टकराएगी, इसके ध्रुव पर, और ध्रुव पर जब भी कोई लाइन आती है, ध्रुव पर कोई भी रेखा सीधी अपन खींचते हैं इमेजिनरी लाइन, वो टकराती है तो उतने ही एंगल से ये वापस जाती हुई हमें प्रतीत होती है। दोबारा सुनो, ध्रुव पर जो भी लाइन टकराएगी वो उतने ही एंगल से वापस जाती हुई नजर आएगी, लेकिन पैरेलल जो लाइन आएगी वो कहाँ पर टकराएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये तो फोकस से गुजर रही है और ये यहाँ से गुजर रही है। अब इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई देगा क्या लगभग, बोलो हाँ या ना? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा। अब कहाँ बन रहा है वो, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, या फोकस के बीच में बन रहा है, वो कंडीशन बाद की बात है। केवल आपको क्या याद रखना है, जो भी पैरेलल लाइन आती है वो जितने एंगल से आएगी उससे ज़्यादा एंगल से हमेशा जाएगी। उतने ही एंगल से तो नहीं जाएगी, उतने ही एंगल से कब जाती, जब सीधी लाइन होती तब तो जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से क्या करेगी, वापस चली जाएगी। लेकिन इसमें कर्व है तो कर्व के कारण ये एंगल जो बनेगा ये क्या बनेगा, उससे ज़्यादा बनेगा। तो पैरेलल लाइन हमेशा किससे गुजरेगी, फोकस से। दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लाइन जो है वो वक्रता केंद्र से आ रही है। किससे आ रही है, वक्रता केंद्र का मतलब सी से आ रही है, और यहाँ पर आपके एफ है। तो सी से आने वाली लाइन मतलब यहाँ पर जो वस्तु रखी है ये सी से आई तो ऐसे टकराएगी, नहीं टकराएगी। यहाँ से एक लाइन गई वो यहाँ पर जाएगी सीधी, सीधी जाने वाली लाइन तो क्या करेगी, फोकस से वापस आएगी। लेकिन ये वाली लाइन जो वक्रता केंद्र से आई है वो वापस इसी दिशा में वक्रता केंद्र से ही कहाँ चली जाएगी, उल्टी उसी दिशा में चली जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से कोई भी लाइन गुजरे वो हमेशा कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। ये कहाँ से जा रही थी, ये पैरेलल लाइन थी, वो पैरेलल लाइन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। जबकि वक्रता केंद्र वाली लाइन कहाँ से गुजरेगी, हमेशा वक्रता केंद्र से ही वापस गुजरेगी। अब प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे, देखिए दो चीज़ें ये याद रखना, अभी प्रतिबिंब निर्माण में काम आएंगी। वक्रता केंद्र से आने वाली तो कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। लेकिन जो पैरेलल लाइन आएगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से। बोलो किससे जाएगी, फोकस बिंदु से। अब दो चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बड़ा छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा। देखो यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है माना कि, और इस दर्पण से कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो अगर इसी साइड में प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसा होगा, जो हमें अपनी साइड में दिखाई दे। समतल दर्पण में हमने बात की तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे। तो इसके पीछे की यदि बात करेंगे, पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो समतल की तरह ही बनेगा। समतल में कैसा बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। तो इधर बनने वाला प्रतिबिंब तो आभासी होगा, जबकि साथ में कैसा होगा, सीधा। सीधे के अलावा लेटरली अपोजिट हो सकता है, यानी पार्श्व उल्टा होगा, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा वो निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर, कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है। तो मेन बात कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। जबकि इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो, इधर तो अपनी साइड में ही बन रहा है और अपनी साइड में जो दिखाई देगा वो कैसा होगा, वास्तविक। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं हमें टकराती हुई नज़र आएंगी, लेकिन पीछे की साइड में जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी रेखाएं हमें टकराती हुई नज़र नहीं आएंगी। केवल हम कल्पना करेंगे कि ऐसी रेखाएं पीछे जाकर कहीं मिल रही होंगी। समझ में आई बात। तो यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक तो वास्तविक, यहाँ अगर सीधा बन रहा है पीछे तो आगे की साइड में कैसा बनेगा, उल्टा। तो हमेशा दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब तो उल्टे बनेंगे और कैसे बनेंगे, वास्तविक, जबकि पीछे बनने वाले कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे। चलिए कंडीशन चार में अलग अलग आपको बता रहा हूँ। एक तो जब वस्तु को रखा जाए अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। चौथी कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए। उसके अलावा ये चार कंडीशन में तो कहाँ बनेगा, आगे की साइड में प्रतिबिंब। उसके बाद जैसे ही फोकस पर जाएंगे तो फोकस वाला प्रतिबिंब उल्टा होकर अनंत पर बनेगा, और फोकस से और पास में जब हम जाएंगे तो मुख्य अक्ष और फोकस के बीच में जो बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। तो वो व्यवहार करेगा उत्तल की तरह। अभी तो अवतल में व्यवहार करने का मतलब है प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे। लेकिन एक स्थिति में कैसा बनेगा, ये आभासी और सीधा। कौन सी स्थिति में, जब दर्पण को जस्ट पास में रखा जाए या फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाए।
चलिए, मैंने वस्तु को अभी अनंत पर रखा, ये कोई वस्तु का दर्पण है जिसमें हमें देखना है। यहाँ पर ये कौन सी लाइनें, बोलो। अरे कौन सी लाइनें, मुख्य अक्ष, ये तो सब आप बताएंगे। यहाँ पर कौन सा बिंदु है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर कौन सा है, और इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र से अनंत तक की दूरी होगी, और ये बिंदु हम मान लेते हैं कौन सा है, अनंत। यहाँ पर अब कोई वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब हमें इसमें देखना है कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ से वस्तु की ये लाइन गई तो पैरेलल जा रही है क्या, ये समांतर जा रही है। अभी मैंने बताई थी समांतर लाइन हमेशा किससे गुजरेगी, तो ये लाइन इससे टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात, यहाँ से यही रेखा यदि जाएगी ध्रुव के पास, किसके पास जाएगी, तो ये क्या करेगी, ध्रुव के पास जाने वाली रेखा उतने ही कोण से वापस जाएगी, तो ये वाली लाइन कहाँ चली जाएगी, सीधी इस दिशा में। समझ में आ रही है बात। इसका प्रतिबिंब देखिए, यहाँ पर भी लाइन ये दोनों टकरा रही है, और यहाँ पर भी लाइन दोनों टकरा रही है, दो बार टकरा रही है, तो दो जगह तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, तो इन दोनों के बीच वाली स्थिति में हमें दिखाई देगा। और इन दोनों के बीच की स्थिति कौन सी है, बोलो। इसका मतलब है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहली बात तो बनेगा कहाँ पर, वो पूछे तो फोकस पर। अब स्थिति कैसी होगी, बड़ा छोटा या वास्तविक होगा या आभासी, वो देखिए। कहाँ बन रहा है ये, दर्पण के आगे बना या पीछे बना, आगे। आगे बनने वाला कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक के साथ कैसा होगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा। ये चीज़ समझ में आई। इसके अलावा अब छोटा बड़ा आपसे पूछा जाएगा कैसा, तो देखो मैं आपसे यदि कहूँ कि यहाँ से आप कोई प्लेन को देख रहे हो, हवाई जहाज़ आपको देख रहा है, अनंत पर ही है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो यहाँ से देखने पर आकार में वो बड़ा दिखाई देगा आपको या छोटा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। लेकिन उसी को यदि मैं पास में लेके आ जाऊँ मेरे, और पास से उसको यदि मैं देखूँ तो कैसा दिखाई देगा, बड़ा। तो दर्पण से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, और जो दर्पण से जितना पास में होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये दूर वाली वस्तु का जब प्रतिबिंब देखोगे तो आपको कैसा प्रतिबिंब नज़र आएगा, छोटा। और बहुत ज़्यादा अगर दूरी पर है तो आप कहेंगे कि ये प्रतिबिंब बिंदु आकार बनेगा। बोलो कैसा बनेगा, बिंदु आकार। का मतलब है आकृति तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी लेकिन उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है उस आकृति से बहुत कम दिखाई हमें दे रहा है। इतनी समझ में आई, एक प्रतिबिंब समझ में आ गया कहाँ का, जब वस्तु को रखा जाए किस पर, अनंत पर। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ पर, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा, और आकृति बिंदु आकार या बहुत छोटे आकार का होगा। बिंदु आकार का मतलब है कम आकार का हमें दिखाई देगा। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ अनंत से वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखेंगे तो ये वस्तु की स्थिति चेंज होकर यहाँ की तुलना में कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी, बोलो, आएगी नहीं आएगी। अब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर दिखेगा, देखिए, तो ये वस्तु यहाँ से रेखा गई और काल्पनिक रेखा जो भी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ जाती है, हमेशा फोकस से। तो टकराने के बाद ये तो फोकस से निकल गई, लेकिन दूसरी लाइन जो यहाँ से आ रही है अनंत वाली रेखा से, ये इससे टकराएगी उतने ही कोण से वापस जाएगी। तो यहाँ देखिए, ये वाली दूरी जो है इस फोकस दूरी की तुलना में कम है। इसका मतलब है कि यदि दोनों दूरी बराबर होती तब तो बीच वाले पॉइंट पर कहाँ पर दिखाई देता, फोकस पर। लेकिन ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस दिशा में थोड़ा सा जाएगा। थोड़ा सा इस दिशा में जाने का मतलब है कि फोकस से वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस से वक्रता केंद्र के बीच। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर कुछ नज़र आएगा, और ये वाला प्रतिबिंब जो होगा ये भी आगे की साइड में बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा। लेकिन बिंदु आकार नहीं होगा, ये आकार में कैसा होगा, होने को तो आकार में इससे तो छोटा ही दिखाई देगा क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर है और ये कम दूरी पर है, तो कम दूरी पर दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब आकृति में छोटा होगा। आकृति में कैसा होगा, छोटा। वहाँ पर बिंदु आकार क्यों लिखा, क्योंकि बिंदु आकार का मतलब है बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देगा। अगली कंडीशन तीसरी मैंने बताई थी, जब वक्रता केंद्र से ही किरणें गुजरें, कहाँ से गुजरें, वक्रता केंद्र से। तो तीसरी स्थिति में वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर। चलो, मैंने रखा वस्तु वक्रता केंद्र पर,
वक्रता केंद्र का मतलब सी पर वस्तु को रखा हुआ है, ये सी है और यहाँ पर एफ है, यहाँ वस्तु रखी हुई है। तो इससे जो किरणें गुजरती है कहाँ जाती हैं बताओ, अभी मैंने बताई थी वक्रता केंद्र से जो भी किरणें गुजरेंगी वो कहाँ पर आएंगी, वक्र केंद्र पर ही आएंगी। तो यहाँ से कोई भी किरण ऐसे जाए तो भी यहीं से वापस आएगी, इधर गई और इधर से ही वापस आएगी, इधर से जाएगी तो भी इधर से ही वापस आएगी। इसका मतलब क्या है, दोनों किरणें टकराएंगी भी कहाँ पर, तो जब वक्रता केंद्र पर रखना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसी स्थिति से आप सबका प्रतिबिंब याद रख सकते हो, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना। अब ये आकृति देखो, यहाँ पर वस्तु रखी है और यहीं पे आके टकरा रही है तो बड़ा छोटा तो दिखाई देगा ही नहीं, कैसे दिखाई देगा, समान आकार का, यानी वस्तु जितने आकार की होगी उतने ही आकार का दिखाई देगा, कैसा होगा, उल्टा सीधा, आगे बन रहा है तो उल्टा और आगे बनेगा तो वास्तविक, तो वास्तविक और उल्टा दिखाई देगा। चलिए अब मुझे देखिए एक बात बताओ, अभी मैंने क्या किया था, यहाँ से वस्तु को इधर खिसकाया, यहाँ पर यानी किस किस के बीच में रखा, अनंत और वक्रता केंद्र में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जैसे ही इधर वस्तु जाएगी इससे तब प्रतिबिंब इधर जाएगा, और वस्तु यदि इधर जाएगी तो प्रतिबिंब इधर जाएगा, सही है। तो यहाँ से मैं और दूर लेके गया, यहाँ वाली वस्तु का यहाँ दिखाई दिया, मैंने अनंत पर रखा तब प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई दिया, फोकस पर, तो अनंत का फोकस पर बनेगा। अब उल्टी कंडीशन में अगली कंडीशन जो आएंगी उसमें मैं बताऊंगा कि प्रतिबिंब यहाँ वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें, किस किस के बीच रखें, वक्रता केंद्र और फोकस। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, वक्रता केंद्र और अनंत में, यानी इधर वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है उस जगह पर यदि वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब भी उसी स्थिति में दिखाई देगा जहाँ पर पहले वस्तु को रखा था। तो यहाँ वाली वस्तु जो फोकस पर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, फोकस वाली का कहाँ दिखेगा, अनंत पर, क्योंकि अनंत वाली वस्तु कहाँ दिखाई देती है, फोकस पर, तो फोकस वाली वस्तु कहाँ दिखाई देगी, हो गया नहीं याद। वक्रता केंद्र से जितना दूर जाएंगे इस साइड में उतना ही प्रतिबिंब इस साइड में दूर जाएगा वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र के इस साइड में यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब इस साइड में बढ़ता हुआ जाएगा अनंत की ओर, समझ में आई बात। लेकिन वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रख दी तो प्रतिबिंब भी कहाँ दिखाई देगा, वक्रता केंद्र पर। अब पूछो, हाँ यहाँ रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, क्लियर है, कैसा बनेगा अब ये, चलो आकृति भी तो पता होनी चाहिए, वास्तविक और उल्टा तो सब में बन रहा है, बड़ा बनेगा या छोटा, चलो देखो इधर से जब हम ला रहे थे वस्तु को तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, छोटे, वक्रता केंद्र पर जब लाए तो कैसा बना, बराबर, तो इससे इधर वस्तु को जब रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा, बड़ा, और यहाँ फोकस पर रखेंगे तब कहाँ दिखेगा, अनंत पर, वो सबसे ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देगा। लेकिन एक स्थिति अभी बच गई आपके पास कि कहाँ वस्तु को रखें, अब वस्तु को यहाँ फोकस तक तो हमने रख लिया, फोकस तक प्रतिबिंब बन दिया, यहाँ पोल और फोकस के मध्य में भी तो वस्तु हो सकती है, पोल पर रखेंगे तब तो दिखाई देगा ही नहीं अपने को, प्रतिबिंब दिखेगा क्या, तो बीच में और रख देते हैं एक बार, उसकी भी कंडीशन देख लो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलो मिटा के दोबारा बना देते हैं। ये कोई दर्पण है, ये लाइन बोलो, अरे लाइन कौन सी है, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या होगा, पोल, यहाँ पर क्या होगा, फोकस, यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र, यहाँ पर इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ से इधर वाली स्थिति हमने सब याद कर ली, वस्तु को मैंने केवल यहाँ रख दिया, अब यहाँ वस्तु को रख दिया तो इससे जो रेखाएँ गुजरेंगी, इससे रेखा क्या गुजरेगी, एक तो यहाँ पर जाके मिलेगी तो ये वाली लाइन तो इस दिशा में सीधी चली जाएगी, दूसरी लाइन यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से टकराने वाली लाइन भी इस दिशा में ही वापस जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी। अब ये वाली लाइन जो जा रही है इधर जाते जाते इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मुझे बताओ आगे जाके कभी टकरा सकती हैं क्या, ये दो रॉकेट आपने ऐसे छोड़े तब भी नहीं टकराएंगे, ऐसे छोड़े तब टकराएंगे क्या आगे जाके कहीं, लेकिन उनको ऐसे छोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जाके तो टकराएंगे, वो मिलेंगे, सीधी लाइन ऐसे एक जा रही है एक ऐसे जा रही है समांतर है तो टकराएगी नहीं। अगर इनके बीच की दूरी जो है एक को ऐसे लिया एक को ऐसे लिया तो ये सीधी जाएगी ये नीचे की साइड में जाएगी तो भी नहीं मिलेंगी,
लेकिन अगर एक ऐसे जाए और दूसरी ऐसे जाए तब तो आगे जाके कहीं मिलेंगी। अब मुझे बताओ ये लाइन जो है इनका डिस्टेंस आगे जाने पर बढ़ रहा है, तो इधर जाके कहीं मिल सकती हैं क्या? इधर जाके नहीं मिलेंगी। तो हम मानेंगे कि ये रेखाएं आगे इधर जाने पर नहीं मिल रही हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि इनको पीछे यदि बढ़ाया जाए, तो पीछे बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं जाकर रेखाएं आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी। तो अब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इस दर्पण के पीछे। तो एक ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पीछे कब बनेगा? जब कहाँ रखा जाए? फोकस और वक्र, फोकस और ध्रुव के बीच में। और ये पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा क्या? अरे पीछे दिखाई दे रहा है तो कैसा होगा? सीधा। और पीछे दिखाई देने वाला आभासी होगा या वास्तविक? केवल आभासी तो कर रहे हैं लाइनों का कि लाइन मिल रही होंगी। अपने को जब लाइन काटती हुई दिखाई दें तब तो बनेगा वास्तविक, लेकिन हम कल्पना करें कि ये लाइन कहीं मिल रही होंगी तब कैसा बनेगा? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देगा। बड़े आकार का या छोटे आकार का वो भी देखो। यहां से देखिए वस्तु कहाँ रखी हुई है? पास में। और प्रतिबिंब इसका हमें जो दिखाई दे रहा है वो यहां पर दिखाई देगा। इसको दर्शाएंगे हम एफ डैश से, फोकस बिंदु से ही दर्शाएंगे, फोकस बिंदु ही होगा लेकिन एफ डैश से इसको दर्शाएंगे। तो मुझे बताओ पास में कोई वस्तु को जब आप देखते हो, उसको पास में जैसे दर्पण के रखा जाता है, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बढ़ता है आकार में या कम होता है? आपकी बात करूं मैं, दर्पण यहां रखा हुआ है, दूरी से आ रहे हो तो आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है, सिर तक आप दिखाई दे रहे हो। चल के जैसे ही उसके पास में आओगे सिर वाला हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा, यहां तक का हिस्सा दिखना बंद हो जाएगा, यहां तक आए तो पैर वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। बोलो हाया ना, क्योंकि जब दूर थे तब तो वो पूरा प्रतिबिंब बना पा रहा था, लेकिन पास में जैसे ही आए तो प्रतिबिंब बड़ा करके आपको वो दिखा रहा है। तो प्रतिबिंब बड़ा कब दिखाई देगा? जब पास होगा। और छोटा कब दिखाई देगा? जब। तो ये अगर यहाँ पर पास के पास में बनता प्रतिबिंब तब तो बड़ा दिखाई देता, लेकिन दूर बन रहा है इसका मतलब कैसा दिखाई देगा? तो पीछे बनने की स्थिति केवल एक, फोकस और ध्रुव के बीच में, उस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा? हमेशा छोटा। तो ये पांचों कंडीशन आपको याद रखनी है। पांच ही बताइए या ज़्यादा बताइए? पांच ही है बस। चार कंडीशन में तो कहाँ बनेगा? इसके आगे। और एक कंडीशन में बनेगा कहाँ? पीछे। दोबारा सुनो, पहली कंडीशन इन्फाइनिट पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा किस पर? फोकस पर। और बनेगा कैसा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। दूसरी कंडीशन इन्फाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु को तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन में हमने रखा वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? और इस समय आकृति जो होगी वो समान आकार की होगी, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगली कंडीशन चौथी में हमने रखा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फिर फोकस की हमने अभी अनंत की बात की थी, अनंत का तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो फोकस का कहाँ बनेगा? अनंत पर। लास्ट कंडीशन इन दोनों के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और पीछे बनने वाला हमेशा कैसा होगा? सीधा और आभासी। इतनी बात क्लियर है? अब उत्तल की कंडीशन केवल दो ही है, उत्तल में दो ही आपको याद रखनी है, दो ही कंडीशन में वस्तु रखी जाएंगी, क्योंकि बाकी कंडीशन में जो किरणें हैं वो आपस में टकराएंगी ही नहीं। कौन कौन सी कंडीशन है देखो? अवतल का तो याद हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, नहीं होगा? करना पड़ेगा याद, तो बिना याद किए काम कैसे चलेगा? फिर एग्जाम भी तो पास करना है। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको याद करवा दूं, नहीं तो मैं दे देता आपको थोड़ा बहुत, ले लो इधर से काट के, कुछ ऐसे होता बांटने वाला सिस्टम तो दे दिया जाता। चलिए उत्तल में बताओ मुझे पॉलिश कहाँ होगी? अंदर या बाहर? अंदर। पक्का? उत्तल दर्पण को बोला क्या जाता है? कॉन्वेक्स बोला जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी। अच्छा, उदल जाके बदल जाएगा, पता हो आपको तो। लेंस में जब बात की जाएगी, लेंस में उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस अपसारी नहीं रहेगा, उत्तल लेंस हो जाएगा क्या? अभिसारी। जबकि अवतल लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपसारी। दोनों को नाम उल्टे दिए जाते हैं, लेंस में और दर्पण में। कंफ्यूज नहीं होना, एक का याद कर लेना है, बाकी याद हो जाएगा अपने आप। देखिए क्या हुआ, बिल्कुल जरूरी है भाई, पूछ ले तो पूछ ही ले।
हाँ ज़रूरी तो ये भी नहीं है कि नौकरी लगे भाई। चलिए देखिए, अंदर की ओर मैंने पॉलिश कर दी, तो आप बताओ किरणें जब टकराएंगी तो अंदर जाएंगी या बाहर? अरे उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। कहाँ जाएंगी? बाहर या अंदर? उसमें कहाँ जा रही थी? अंदर। तो यहाँ कहाँ जाएंगी? बाहर। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? अच्छा मुझे अब ये बताओ आप, फोकस कहाँ बनेगा इसका? इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा? वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा, इस साइड या इस साइड? ओरिजिनल होने को तो वक्रता केंद्र इस साइड में ही होगा, क्योंकि ये दर्पण जो काटा गया है, ये गोले से जिससे काटा गया होगा, वो गोला जो होगा वो इस प्रकार का ही तो होगा, उसी से तो काटा गया होगा। ऐसा गोला तो होता नहीं है कि इधर से मुड़ के इधर आ जाए। तो ओरिजिनल होने को तो इधर होता है, लेकिन इसको हम सी डैश से दर्शाते हैं क्योंकि कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई रहा होगा। वास्तविक को हम किधर दर्शाते हैं? वास्तविक को यहाँ दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। फोकस दूरी जो होगी वक्रता केंद्र के आधे पर होगी, तो फोकस को यहाँ दर्शाएंगे हम। समझ में आई बात? जबकि यहाँ पर जो फोकस बनेगा उसको दर्शाएंगे एफ डैश से। किससे दर्शाएंगे? उसमें भी अभी दर्शाया था, पीछे की साइड में प्रतिबिंब बन रहा था, वो फोकस पर जहाँ टकरा रही थी उसको अपन ने एफ डैश से दर्शाया था, जबकि वास्तविक फोकस को केवल एफ से दर्शाया था। अब इसमें क्या होगा, दो कंडीशन में ही वस्तु रखी जाएंगी। यहाँ पर इन्फाइनेट और दर्शा दें, एक तो जब इन्फाइनेट हो और इन्फाइनेट से फोकस के बीच रखी जाए, इन्फाइनेट से किसके बीच रखी जाए? फोकस के। बाकी कंडीशन वक्रता केंद्र से अनंत पर रखे तो भी उसका कहने का मतलब यही है कि अनंत से फोकस के बीच में। अरे यहाँ वस्तु को रखा तो एक तो आप ये कह सकते हो कि ये वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, इसको ये भी तो कह सकते हो अनंत और फोकस के बीच में रखी है, बोलो है या नहीं है? तो एक ही कंडीशन होगी, अनंत से कहाँ रखें? फोकस के बीच। अगली कंडीशन में इसको फोकस और पोल के बीच में रख देंगे, फोकस से किसके बीच में? पोल के बीच में। ये दो कंडीशन बनेंगी। अब दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब देखिए, यहाँ मैंने अगर वस्तु को रखा तो इस वस्तु की जो किरणें जाएंगी वो ऐसे टकराएंगी इसके ऊपर, यहाँ से कोई किरणें निकलेंगी वो भी इससे टकराएंगी। अब ये टकराने वाली किरणें तो इसी दिशा में वापस जाएंगी क्या, जितने एंगल से आई उतने से ही? लेकिन ये वाली किरण जो है ये इस दिशा में आएगी क्या, नीचे की साइड में? कहाँ जाएगी फिर? ऐसा कोई कर्व है इसमें यदि यहाँ पर कोई टकराएगा तो ये इस साइड में नीचे गिर सकता है क्या सीधा? कहाँ जाएगा? बाहर। तो यहाँ वाली किरणें जो हैं ये टकराने के बाद इस दिशा में वापस चली जाएंगी। ये तो किरण आ रही है और ये वापस जा रही है। अब मुझे बताओ आगे जाने के बाद ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी टकरा सकती हैं क्या? कभी नहीं टकराएंगी। कहाँ टकराएंगी? इस साइड में। कहाँ टकराएंगी? आगे चौड़ाई बढ़ती जा रही है, ऐसे मैंने रॉकेट छोड़े टकराएंगे क्या? कभी नहीं टकराएंगे। तो इस साइड में तो हम मानते हैं, केवल कल्पना ही तो करते हैं कि टकरा रही होंगी, तो हम कल्पना करते हैं कि ये लाइन जो है ऐसे आगे बढ़ाई जाए इस साइड में जाएगी, और ये लाइन जो आ रही है ये ऐसे बढ़ाई जाए तो इस साइड में जाएगी, ये लाइन जो वापस गई है ये इस साइड में जाएगी, ऐसे ही टकराएंगी कहीं ना कहीं। तो ये कहाँ पर टकरा रही है? इन दोनों के बीच में टकरा रही है क्या? किस किस के बीच में? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो जब भी वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। और ध्रुव कौन सा? ध्रुव तो एक ही होगा लेकिन फोकस तो अलग है, काल्पनिक फोकस। कौन सा फोकस? काल्पनिक, जो कल्पना की है कि ऐसा भी फोकस होता होगा। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला प्रतिबिंब, अभी मैंने उस कंडीशन में अवतल में भी बताया, जब आपके प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा तो बीच वाला पीछे की साइड में जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, छोटा या बड़ा? अरे पीछे जो प्रतिबिंब बना वो कैसा दिखाई दिया? छोटा। तो प्रतिबिंब एक तो बनेगा कैसा? छोटा। दूसरी बात, दर्पण के आगे की साइड में नहीं बनके ये कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। पीछे बनने वाला कैसा? आभासी या वास्तविक? अरे वास्तव में ये टकरा रही है क्या किरणें? कहाँ बन रहा था? लास्ट कंडीशन में, पोल और एफ के बीच में रखा था। हाँ तब पीछे की साइड में बन रहा था और पीछे की साइड में छोटा बन रहा था। हाँ लास्ट कंडीशन वही तो बताई, छोटे वाली। वीडियो में देख लेना जाके, कंफ्यूज हो तो। चलिए देखिए अगली बात। हाँ बड़ा होता जाएगा, लेकिन वो बड़ा कब होगा? जब इसी साइड में बनेगा तब। लेकिन उसमें तो लास्ट वाली कंडीशन में कहाँ बन रहा था? पीछे बन रहा था। कल्पना कर रहे थे उसकी तो छोटा बन रहा था वो। अब इसमें मुझे बताओ, ये प्रतिबिंब इसके आगे नहीं बनके पीछे बन रहा है, मतलब ये किरणें आपस में टकरा नहीं रही हैं। और वास्तव में ये अगर रियल में टकराती तब तो रियल प्रतिबिंब बोलते अपन, रियल का मतलब वास्तविक बोलते, लेकिन ये वास्तव में नहीं टकरा रही है, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी कैसा होगा? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब आभासी। बोलो कैसा होगा?
आभासी, एक तो बनेगा छोटा और दूसरा बनेगा आभासी, और पीछे बनने वाला कैसा बनता है, सीधा या उल्टा। आगे जिनको हम बना रहे थे वो अवतल में कैसे बन रहे थे, सबके सब उल्टे, तो पीछे बनेगा तब कैसा बनेगा, सीधा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन में कहाँ रखेंगे, फोकस और इसके बीच में। अब इन दोनों के बीच में जब भी वस्तु को रखा जाएगा, जैसे यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये किरणें यहाँ पर गई, दूसरी किरणें यहाँ से गुजरने वाली जो किरणें हैं ये यहाँ पर गई, तो ये वाली लाइन जो है टकराने के बाद वापस ऐसे जाएगी, तो ये तो सीधी ऐसे कैसे ही रहेगी और ये ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी ऊपर वाली लाइन की। अब देखिए, ये ऊपर वाली तो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा कर्व से मुड़ के जा रही थी, लेकिन यहाँ वाली कम कर्व से मुड़ेगी, तो कम कर्व से मुड़ेगी में इसका मतलब है ऐसे इस दिशा में वापस जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी। अब क्या ये दोनों किरणें टकराएंगी, हाँ टकराएंगी तो सही, लेकिन आगे कहीं जाने पर ये किरणें, अच्छा ये लाइन ये ले ली, दूसरी लाइन ये, तो आगे कहीं ऐसे जाने पर ये किरणें आपस में टकराती हुई हमें नज़र आएंगी। ये वाला पहले वाला मिटा देता हूँ मैं, ये लो। अब देखिए कहाँ टकरा रही है, देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ऐसे है तो इसकी लाइन ये गई, और ये वाली जो लाइन है ये इस प्रकार से जाएगी, तो ये आगे टकराती हुई यहाँ से ये वापस जाने की कंडीशन जब होगी, तो इसमें ऐसे ऐसे ये लाइन खींची जाएगी, तो फोकस से आगे जाता हुआ नज़र आएगा, तो दोनों उल्टे हो जाएंगे। केवल उल्टे कैसे हुए, देखो इसमें तो जब मैंने रखा था कहाँ पर, इनफाइनाइट से फोकस के बीच, तब तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, एफ डैश, एफ डैश का मतलब काल्पनिक बना था पीछे की साइड में, और किसके बीच में बना, पोल के बीच में। लेकिन अब मैं इसकी स्थिति बदल रहा हूँ, मतलब फोकस और पोल के बीच में ही तो रख रहा हूँ, तो जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में, कहाँ बनेगा, फोकस और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। लेकिन ये फोकस जो होगा ये काल्पनिक फोकस होगा, इसलिए इसको दर्शाएंगे एफ डैश से। तो दोनों आपस में बदली हुई स्थितियाँ देख लो, चेक कर लो, वहाँ पर भी स्थिति बदल रही थी, किस किस कंडीशन में, फोकस वाला बन रहा था किस पर, अनंत पर, अनंत वाला फोकस पर, उसके बाद वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर बना, उसके बाद में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की जब हमने बात की तब बना था कहाँ पर, फोकस और क्या नाम है, वक्रता केंद्र के बीच में, फिर जब पास में लेके आए फोकस पर तो फोकस का अनंत पर बना, फोकस से और अंदर पोल की ओर लेके आए तब कहाँ पर बना था, फोकस और पोल का प्रतिबिंब पीछे की साइड में बनता है, और पीछे की साइड में बनने वाला कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस स्थिति में ये प्रतिबिंब पास बन रहा है या दूर बन रहा है वो और बता दो, बस पास बना प्रतिबिंब या दूर बना, वस्तु दर्पण के पास में आप खड़े हुए होंगे तो प्रतिबिंब आपका छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा, पास में खड़े होंगे तो छोटा, यहां तक का दर्पण मैंने रखा है और यहां पे मैं खड़ा हूं, पूरा प्रतिबिंब दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा। लेकिन आपकी जगह में जाके खड़ा हो जाऊं तो वो पूरा प्रतिबिंब दिखेगा क्या, उसमें क्यों दिखता है, क्योंकि दूर जाने पर वो प्रतिबिंब छोटा बनाता है और पास आने पर प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बड़ा। तो यहां मैं दूर जब जा रहा हूं तो दूर जाने पर मेरे को प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा, इसका मतलब बड़ी वस्तु के प्रतिबिंब को मैं आसानी से देख सकता हूं। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे की साइड में, इसलिए कैसा होगा, काल्पनिक या आभासी होगा। सीधा जो बनता है वैसे ही सीधा बनेगा, पास में जब बन रहा था तब छोटा बन रहा था तो दूर जाने पर कैसा बनेगा, बड़ा। तो अंतर इन दोनों कंडीशन में केवल क्या है, इस कंडीशन में तो प्रतिबिंब छोटा बनता है और इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो अवतल और उत्तल दोनों से ही बनने वाले प्रतिबिंब आपको याद होने चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से हो जाएंगे। फोकस पॉइंट के यहां पर फिक्स, फोकस पॉइंट पर, तो इस साइड में जो फोकस पॉइंट होगा वहां पर बनेगा, फोकस वाला फोकस पर ही बनेगा, तो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको वहां पर तो 5 कंडीशन ली थी, यहां पर कंडीशन 2 ही तो बताइए, 2 क्यों बताइए, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो बाकी कंडीशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई इतनी बात, बता दोगे इनको, तो अवतल और उत्तल दर्पण की कहानी अगर याद हो जाएगी तो लेंस में दिक्कत नहीं आएगी, लेंस भी सेम वैसे ही है। कल मैं दर्पण सूत्र बताऊंगा, दर्पण सूत्र, अच्छा कल संडे मतलब नेक्स्ट वर्किंग क्लास में, जो भी वर्किंग डे होगा उसमें, तो आपको क्या बताएंगे, दर्पण सूत्र बताएंगे, लेंस के बारे में पढ़ाएंगे, लेंस सूत्र बताएंगे, और दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। तो प्रिपेयर होके आना, कि दिमाग यही रखना है। छोटे बड़े का क्लियर ये है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पास में बिल्कुल बन रहा है, दर्पण के कहाँ बनेगा, पास, वो तो हमेशा बनेगा छोटा, और दर्पण से जैसे जैसे दूर जाएंगे वो बनेगा बड़ा।
उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई सा ही हो, सब में ऐसे ही है। उत्तल में क्या, अवतल में क्या लिया, इसमें तो देखो यहाँ लिया वो तो कहाँ बना, कैसा बना था, छोटा, और यहाँ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा। ऐसे ही अवतल में लिया था, देखो यहाँ वस्तु थी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था, इसके पास में, यानी अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर, तब कैसा बन रहा था वो प्रतिबिंब, छोटा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर आए वक्रता केंद्र पर आने के बाद कैसा हो गया, वस्तु के बराबर, और इधर जब फोकस का बना था अनंत पर तब प्रतिबिंब कैसा बना था, यही तो बताया था। तो पास में जैसे आएंगे दर्पण के पास में जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु पास में रखी हो उससे कोई मतलब नहीं है, या दूर रखी है या पास रखी है, लेकिन प्रतिबिंब अगर दर्पण के जस्ट पास बनेगा तब तो प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा छोटा, और जैसे ही इससे दूर जाएंगे, दूर जो दिखाई देगा वो बनेगा कैसा, बड़ा। क्लियर है इतनी बात? अब चलो बंद कर दो इसको, बाकी